जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में हम लोग बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरा पूरा फोकस जो रहेगा वो रहेगा आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के। प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फॉर्म भरने में आ रहे हैं, आखिरी तिथि को लेकर के आप सबको पता है कि 24 तारीख तक आप लोग बिना लेट फीस के साथ भर सकते थे और 28 तारीख तक जो है आप लोग 100 रुपीज लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा दुगनी लेट फीस के साथ आप 30 तारीख तक जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो आप लोग है हार्ड कॉपी अपनी कॉलेज में 4 जुलाई तक जमा करा सकते हो। तो ये तो फॉर्म की प्रोसेस हो गई। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तो हर कॉलेज अपने हिसाब से ले रहा है, लेकिन जो मूलभूत दस्तावेज है वो आपका फॉर्म है। फॉर्म के साथ ई मित्र से चालान की कॉपी मिली है वो है, आपका प्रवेश पत्र लगाया जा सकता है, यही मूल रूप से दस्तावेज है। इसके अलावा कोई और दस्तावेज लिया जाएगा इसकी संभावना कम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं कि मैंने पहले भी पिछले सेमेस्टर में आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा किए हैं, तो आप लोग अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे साथ इसी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ बहुत जल्दी जो है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी सीरीज लेकर के आऊँगा, तो वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा होने की संभावना रहेगी। मुश्किल से हार्डली 2-3 दिनों में ये काम शुरू कर देंगे हम लोग, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा। अब हम लोग आते हैं कि आप लोग कैसे तैयारी करें, चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। पेपर कब से शुरू होंगे इसको लेकर के भी मैं डिस्कस करूँगा वीडियो के आखिर में। तो तैयारी कैसे करें, क्या आपके पुरानी किताबें काम आ जाएंगी या आपको नए जो फर्स्ट सेमेस्टर वाली बुक है वही काम आएंगी या दूसरी काम आएंगी। देखिए, ध्यान रहे, बीए में आपको 100% दूसरी किताब ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रकार से सब्जेक्ट का नाम जो पेपर का नाम है वही बदल गया। आप लोग तय मान के चलें पेपर का नाम बदल गया है। अच्छे से रीड करें, सिलेबस को डाउनलोड करें कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से, यदि नहीं मिलता है तो सर्च करें गूगल पर जा करके, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने लगभग सभी सिलेबस डाल रखे हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो सिलेबस को। तो सिलेबस ज़रूर आप लोग देखें। इसके बाद जो है आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि देखिए सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स 100% अलग आएंगी कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके। जैसे माना कि लोक प्रशासन है एमए में, तो लोक प्रशासन के 3 पेपर अभी भी वही है पहले वाले, एक चेंज हुआ है क्योंकि बुक वही रहेगी। देखिए, यदि कोई बनवीक सीरीज पढ़ता है ना तो उसको तो उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बाकी यदि आपने किताब जैसे ले रखी है ना और पेपर का नाम सेम है तो किताब तो नहीं चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन जो बच्चे बनवीक सीरीज और दूसरी चीज़ों पर निर्भर है ना उनको तो बदलना ही पड़ेगा, ये तो आप लोग तय मान के चलें। अच्छा, होम असाइनमेंट कैसे बनेंगे? देखिए, रेगुलर के पहले की तरह मिड टर्म होंगे, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके मिड टर्म भी होंगे, उनके होम असाइनमेंट भी होंगे, है ना, और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके होम असाइनमेंट होंगे। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें, 100% ये सारी प्रोसेस होगी। और इसके अतिरिक्त एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि परीक्षा आप लोगों की कब होगी। ध्यान रहे, परीक्षा बहुत जल्दी होगी। बहुत जल्दी का मतलब कितनी जल्दी होगी, तो मुझे लगता है, मैं फिर ये अपना ओपिनियन है, ध्यान रहे कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट आप लोगों को तैयार रहना चाहिए मानसिक तौर पे कि ये कब हो सकती हैं। तो ये मेरे हिसाब में 20 जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है। मुझे लगता है कि 20 जुलाई से लेकर के और 27 जुलाई के मध्य में ये डेट जो है डिसाइड हो सकती है, और ये एक अनुमान है, दिस इज नॉट द कन्फर्मेशन। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को आधिकारिक तौर पे विजिट करते रहें, मेरे चैनल पर भी आप लोग रह सकते हैं, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान इसके रिगार्डिंग रख लेना चाहिए। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ चर्चा कर रहा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के आई थिंक आप लोग कन्फर्म हो जाएँ, किसी भी प्रकार का डाउट अपने मन में नहीं रखें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि का और वेट ना करें, नहीं तो डबल लेट फीस लगेगी आप लोगों की। सीबीसीएस वाले बच्चे जो हैं वो परेशान नहीं हो, एमए के बच्चे खास तौर पे 5वें पेपर का सिर्फ आपके असाइनमेंट बनेगा, फाइल जमा होगी, उसका कोई पेपर नहीं होगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।